ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ। ହଁ, ଇଏ କନ୍ନୌଜ ମାତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାଆଙ୍କର କଥା। ସାର୍, ଇଏ ଯେଉଁ ବମ୍ ହେ ୟହାଁ ପେ, ଇଏ ମତଲବ ଜୈସେ କି ମନ୍ଦିର ମେ ବମ୍ ହେ, ଇଏ ଲୋକ ଜବ ବି ସୋଚତେ ହେ ମତଲବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋ ଜାତେ ହେ। आज ये जो बम आप देख रहे हैं, ये गोला बारूद जो शोकेस में रखा गया है जी, 1965 की लड़ाई में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा इस मंदिर के सराउंडिंग एरिया में लगभग 3200 बम गिराए गए थे। उनमें से कुछ बम ये जनता को दिखाने के लिए शोकेस में रखे गए हैं। इस एरिया के अंदर पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी मजबूत थी, फिर भी माता का इतना चमत्कार हो गया कि 3200 बम गिराने के बाद भी एक भी बम इस एरिए के अंदर नहीं फटा और भारत की तरफ से जान माल का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आगे आपको दिखाते हैं, आगे जो 4 छत्तर रखे गए हैं। सर, ये जो बम है, ये जो 65 में गिरा था पाकिस्तान ने, जब अटैक किया था, जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था उस समय की बात है। और ये जब बम गिरा यहाँ पे, फटा नहीं, क्यों नहीं फटा? मतलब ये हम साइंटिफिक रीजन बोले या माता का चमत्कार ही है ये। हाँ। माता की शक्ति के कारण या माता का चमत्कार है जिसके कारण से ये बम नहीं फटा। 1965 मसीह रे जिते बेले युद्ध होइतला, इंडिया पाकिस्तान वार होइतला, सेही समय रे ए गोला बारूद बा ए बम गुड़ी को ए जगह रे पड़ीतला आ सब निष्क्रिय हो जाइतला। आ जते बेले निष्क्रिय हो जाइतला, सेही समय रो जे थिले सेनारे थिले, से भाविथिले कि बम सब माँ को कृपा पाई ये सब ब्रम निष्क्रिय हो जाए। सर, उस समय जो बैटालियन में थे कौन थे और माँ की चमत्कार माने? गुमान सिंह थे इधर के, जिनको माता जी आती थी, तो माता जी ने उनको सपने में बताया कि अभी पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी बमबारी वगैरह होने वाली है, तो आप सब लोग मोर्चों के अंदर हैं, कोई भी बंदा मोर्चे से बाहर ना निकले। तो सभी ने उस प्रकार की, और इस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल का किसी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे सर सभी का फोटो है, जो 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 वार का फोटो है सब लगा हुआ है। ये भैरव सिंह राठौर, ये उस टाइम के कंपनी कमांडर मौते थे। हाँ। जो कि इधर बार के अंदर इस कंपनी का संचालन कर रहे थे। अच्छा, ये जो फिल्म था, जो फिल्म आया था पहले, जो बॉर्डर फिल्म में जो सुनील शेट्टी जो किरदार निभाया है। हाँ, वो यही नहीं कहा, सुनील शेट्टी ने जो किरदार निभाया था वही नहीं कर सकता, भैरव सिंह, गुमान सिंह। तो सर, ये जो मंदिर है तभी से आज तक मतलब BSF के अंडर में है, और लोग यहाँ पे इस मंदिर में जो पूजा आरती सब BSF के जवान ही करते हैं जी। हाँ, ये सब BSF के जवान करते हैं। इसमें इस मंदिर के अंदर सारा एडमिनिस्ट्रेशन BSF का है, सिक्योरिटी का भी सारा जिम्मेदारी BSF की है। और सर, ये जो छतर है, ये जो माता की चांदी का छतर, ये मतलब ये कहाँ से? ये जो आप 4 छतर देख रहे हो, ये भारत 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद उस टाइम के जो कर्नल थे शाहनवाज हुसैन, तो उन्होंने माता की शक्ति को माना, उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ। जब प्रमोशन होने के बाद वो पाकिस्तान से वीजा लेके माता के चरणों में ये 4 छतर भेंट करके गए। अच्छा, उस टाइम के ये मतलब वो कहाँ के थे, रहने वाले थे? पाकिस्तान के थे, वो पाकिस्तान के थे जो जिन्होंने 1965 का बार संचालन किया था पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की तरफ से जो 1965 की जो 1965 का जो वार हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, उनका नाम शाहनवाज खान ब्रिगेडियर शाहनवाज हुसैन खान। तो पाकिस्तान से आके माता के माता के चरणों में, पाकिस्तान गवर्नमेंट से वीजा लेके माता की शक्ति से भभूत होकर वो 4 छतर जो है माता जी के चरणों में अर्पित करके गए और बोला, माता जी मैं आपकी शक्ति को मान लिया। और सही समय रे जितने बड़े वार चली थी, वार समय रे इंडिया पाकिस्तान वार समय रे पाकिस्तान तरफ रू जे वार को संचालन करूथिले, सही समय रो ब्रिगेडियर जे थिले शाहनवाज खान हुसैन, से पाकिस्तान रू भिजा नहीं कि आसी कि माँ को चरण रे ए 4 छतर दे थिले। ये ही कन्नौज माताकर शक्ति, आउ ये ही मरुभूमि रो महायोद्धाकर वीरत्वर कहानी। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला, तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।